स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं परम्यूटेशंस। इसमें हम आज कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, इफ NP5 रेशो N-1P4 is equal to (8:1), find N। हमें ये रेशो दिया हुआ है जो कि इक्वल है 8:1 के। फाइंड, हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए सॉल्यूशन, ये आप जानते ही होंगे कि रेशो का क्या मीनिंग है। डिवाइड, ये डिवाइड बाय। ठीक ऐसे ही राइट हैंड साइड में इट मींस 8/1। तो रेशो डिवाइड होता है, रेशो का मतलब। अब हम दोनों के फॉर्मूले यूज करेंगे, यहाँ NP5, यहाँ N-1P4। और NPR का फॉर्मूला आपको याद ही होगा, जो कि होता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N-R। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ और यहाँ दोनों के लिए यूज करेंगे। इट मींस फैक्टोरियल n, क्योंकि n के प्लेस पर n है, r के प्लेस पर 5 है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ n है वहाँ n रहेगा, लेकिन जहाँ r होगा वहाँ 5। तो वही लिखते हैं, फैक्टोरियल N-5 डिवाइड। ठीक ऐसे इसके लिए फैक्टोरियल N-1 अपॉन फैक्टोरियल N-1-4। यहाँ देखिए हमने क्या किया, इसमें ये फार्मूला यूज करें तो क्या लिखेंगे, N के प्लेस पर यहाँ क्या है N-1, तो हम भी यहाँ N-1 लिखेंगे। R के प्लेस पर क्या है 4, तो हम भी यहाँ 4 लिखेंगे। तो देखिए यही लिखा हमने, n के प्लेस पर N-1, और यहाँ भी n के प्लेस पर N-1, और ये ये r था, इसके प्लेस पर ये 4 इज इक्वल टू 8/1। सिंप्लीफाई कर ले इसको, देखिए n ये रहेगा, फैक्टोरियल N-5 ये ब्रैकेट डिवाइड फैक्टोरियल N-1 डिवाइड फैक्टोरियल N-5 इज इक्वल टू 8/1। देख सकते हैं आप N-1-4 कितना होता है 5। तो ये सबसे लास्ट में जो है, ये और ये कैंसिल, क्योंकि सेम है, एक जैसा है। क्या रह गया, फैक्टोरियल N रह गया और डिवाइड में फैक्टोरियल N-1 रह गया 8/1। अब हमें फैक्टोरियल फिर कैंसिल करना है, तो क्या करें, यहाँ N है और यहाँ N-1। तो इस फैक्टोरियल N के लिए भी हमें N-1 में क्या करना है, चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, N फैक्टोरियल में से हम N बाहर लिखें तो N-1 रह जाता है, यानी 1 नंबर कम हो जाता है। जो नंबर उसमें से हम बाहर लिखेंगे, जैसे अगर हम ये कहें कि फैक्टोरियल 4 है, तो 4 बाहर लिखें तो 3 रह जाएगा, और अगर फैक्टोरियल 7 है, 7 बाहर लिखें तो 6 रह जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ हमने किया 8, तो 8/1 8 होता है, हम 8 ही लिख सकते हैं।
ये फैक्टोरियल है माइनस वन कैंसिल, और आपने देखा कि केवल एन रहा इधर और इधर एट, यही हमें फाइंड करना था। ओके तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ आपका। देखिए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं परम्यूटेशन पर, और हम कुछ डिफरेंट टाइप करें, देखिए कैसे डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर टू, हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स, क्वेश्चन है हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ लेटर्स, आउट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड कॉलेज, सी ओ डबल एल ई जी ई। ठीक है, तो हमें क्या करना है ये समझिए पहले, इसका सॉल्यूशन बाद में समझेंगे, पहले हम क्वेश्चन समझ लें। देखिए क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स, यानी कितने डिफरेंट शब्द होंगे या बना कैन बी फॉर्म्ड हम बना सकते हैं किससे, आउट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड कॉलेज, जो हमारा वर्ड है शब्द है इसमें अक्षर हैं कितने, सेवन लेटर्स हैं सेवन, सी ओ डबल एल ई जी ई। तो इन सभी लेटर्स को लेकर हमें क्या करना है, डिफरेंट वर्ड्स बनाने, अलग अलग शब्द बनाने। तो वही कह रहे कितने शब्द बना सकते, क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए अब हम लिखते हैं कॉलेज हेयर, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, जिसे हम एन कहें, सेवन काउंट कर लिए हमने, इस जो कॉलेज हमारा शब्द है उसमें कितने अक्षर हैं, कितने लेटर्स हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। अब हमें करना क्या है कि इन सेवन लेटर को लेकर अलग अलग शब्द बनाएंगे। तो हम लिखेंगे, देखिए n इक्वल टू क्या हो गया, टू हो गया, सॉरी सेवन हो गया। हम ये देखें कुछ इसमें लेटर्स हो सकता है डबल हो, जैसे कि l और e, हम यह लिखेंगे नंबर ऑफ लेटर l, कितनी बार है इसमें, टू, इसको n में लिखेंगे, नंबर ऑफ किसके e, लेटर e, n टू, ये कितनी बार है, टू। तो जो अक्षर या जो लेटर जितनी बार होगा उनको हम अलग अलग लिखें, बाकी सब डिफरेंट है। देखिए सी कहीं और नहीं है, ओ कहीं और नहीं है, और जी, तो हमने ये देखा सी ओ और जी ये तीनों कैसे लेटर है जो कि रिपीट नहीं है कहीं भी, एल ऐसा अक्षर है ये लेटर है वो रिपीट है, ई भी, तो जितनी बार वो रिपीट है वो हम इसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब फॉर्मूला हम इसका समझें, देखिए इसका फॉर्मूला चेंज हो गया, हम लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स,
कितने शब्द बनेंगे? उसके लिए फॉर्मूला, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन वन फैक्टोरियल एन टू। याद रखिए कि टोटल नंबर लेटर्स के जितने हैं वो लिखेंगे, वो चाहे रिपीट हो या डिफरेंट हो। हमने देख लिया कॉलेज जो हमारा शब्द है उसमें सेवन लेटर्स है, हमने लिख लिए सेवन। अब हम रिपीट वाले देखते हैं, हो सकता है रिपीट और होते। मान लो एन थ्री, मान लो मैं ये कहूँ कि जी रिपीट होता इस शब्द में, तो हम लिखते एन थ्री टू, या दो बार होता तीन बार तो यहाँ और, तो फॉर्मूले में फैक्टोरियल एन थ्री और आ जाता, चौथा अक्षर और होता तो एन फोर। तो डिवाइड में हम वो नंबर आते हैं जो रिपीट, वो कितने अक्षर रिपीट हो रहे हैं वो क्वेश्चन पर डिपेंड है। अगर किसी क्वेश्चन में हमने दो अक्षर रिपीट है, किसी में तीन किसी में चार, तो वह हम फैक्टोरियल नीचे बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ देखा हमने फैक्टोरियल सेवन, फैक्टोरियल टू, फैक्टोरियल टू। फैक्टोरियल की वैल्यू हमने बताई है क्या, कि सेवन की अगर हमें वैल्यू लिखनी है तो सेवन की उल्टी गिनती जिसे कहते हैं हम, कहाँ तक, वन तक लिख देते हैं, या सीधी गिनती वन टू थ्री वो सेवन तक लिखेंगे। फैक्टोरियल एन के बारे में हमने बताया था, फैक्टोरियल टू, ये फैक्टोरियल टू देखिए, टू एक टू इससे कैंसिल, और ये वाला टू यहाँ से टू जा, वन बेकार होते हैं अभी, वन बेकार। थ्री टू जा सिक्स, फाइव जा थर्टी, सिक्स जा वन एट्टी, तो वन एट्टी मल्टीप्लाई सेवन कर लीजिए, सेवन सिक्स फाइव, ठीक है, कितना आंसर आया, 1260 यानी 1260। इतने अक्षर आप सॉरी शब्द बना सकते हैं। कॉलेज शब्द के सभी अक्षरों को लेकर डिफरेंट कितने शब्द बना सकते हैं, 1260, यही पूछा गया था।